हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बल्लभगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जब मैं आपके बीच हरियाणा में आता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। हरियाणा का विकास और यहां के लोगों के जीवन में बदलाव हमेशा मेरी प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी ने बल्लभगढ़ में रैली में विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं इन लोगों को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है तो साफ तौर पर हरियाणा की जनता को बताएं कि अगर ये चुनाव जीत कर आएंगे तो 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाएंगे। लोकसभा चुनाव तक अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि हम 370 वापस लाएंगे। आज पूरा देश ये भी देख रहा है कि जिनके हितों पर इस फैसले से चोट हुई है वो सदमे में हैं, तिल मिलाए हुए हैं। ये लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, विदेशों में जाकर मदद मांग रहे हैं। मैं जरा जिनको नींद नहीं आती है, जिनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आर्टिकल 370 और 35A से इतना ही लगाव है, इतना ही मोह है, तो मैं जरा उनको आज आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं। अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे, 35A वापिस लाएंगे, मोदी ने जो किया है उसको उल्टा कर देंगे। लोकसभा के चुनाव आए तब तक मैनिफेस्टो में लिखो कि हम अगर आए तो 370 वापिस लाएंगे। ये है किसी में ताकत ये करने की? तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि नहीं बहा रहे हैं? ये झूठी बातें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उनको भी पता है आर्टिकल 370 के जनता जनार्दन का इतना प्यार, इतना उमंग और उत्साह मिला है कि मोदी आर्टिकल 370 और 35A का निर्णय कर पाया है। आर्टिकल 370 के समर्थकों को मैं कहना चाहता हूं कि वो हरियाणा के गांव-गांव में जाकर इसके फायदे जरा लोगों को समझाएं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन माताओं ने अपने वीर खोए हैं कश्मीर की धरती पर, घर में जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, उनसे विदाई लेकर के जो मेरा वीर जवान, हरियाणा का नौजवान जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहा था, वहां के निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर रहा था, जिसको आतंकियों ने गोलियों से भून दिया और जो शरीर तिरंगे में लिपेट करके वापस लौटा था, उन माताओं को पूछो कि तुम्हारा 370 के प्यार ने कितने माताओं के बेटों को रौंद डाला है, कितनी बहनों को विधवा कर दिया है। भाइयों बहनों, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अपनों को खोया है, उनको कांग्रेस के नेता बताएं
कि आर्टिकल 370 से उनको इतना मोह क्यों है। कौन को, हरियाणा की बेटियों को, यहां के दलितों को भी जरा जाकर के बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 370 ने वहां कैसे इन वर्गों का हित किया है। मैं जरा यहां के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आज वोट लेने के लिए वाल्मीकि जयंती के नाम पर, वाल्मीकि के नाम पर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं। अरे आजादी के 70 साल हो गए, बनारस जहां से मैं लोकसभा का सदस्य, जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, बनारस की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, संत रविदास की भूमि है, इतने इतने उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन के गए, हर दल से नेता चुन करके आए, क्या कारण था इतने बड़े महापुरुष संत रविदास, उनकी स्थान का भव्य निर्माण क्यों नहीं किया। ये मोदी आया है, आज बनारस में संत रविदास का ऐतिहासिक स्मारक बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि वहां के समाज के नेताओं ने मुझे उसके भूमि पूजन करने का सौभाग्य दिया था। मैं जरा ये लोगों की आंख में धूल झोंकने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं, दलितों को गुमराह करने वालों को पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज को उकसाने के लिए झूठ का सहारा लेने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे जो वाल्मीकि भाई बहन रहते थे, अगर उनका बेटा ग्रेजुएट हो जाए, डबल ग्रेजुएट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन वाल्मीकि परिवार के बेटों को जम्मू कश्मीर सरकार में उसके हक की नौकरी भी नहीं दी जाती थी। और कारण क्या था? कारण 370 था, 35A था, और उसके कारण जम्मू कश्मीर की धरती पर वाल्मीकि समाज की चार चार पीढ़ी कितनी ही पढ़ाई क्यों न की हो, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, इसके सिवाय वहां की सरकार ने कोई की भी काम देने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना। हर बार 370 का बहाना बताया, और ये पाप दिल्ली में बैठी हुई सरकारों ने, उस सरकारों का झंडा लेकर के चलने वाले हरियाणा के उन नेताओं ने पाप किया था। भाइयों बहनों, ये मोदी है, जिसने आर्टिकल 370 को हटा करके चार चार पीढ़ी से मेरे उन वाल्मीकि भाइयों बहनों पर जुल्म होते थे, एक झटके से चार पीढ़ी के अन्याय को मैंने खत्म कर दिया है। साथियों, कांग्रेस और उसके जैसे दल ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मगर के आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो सिर्फ सतही हैं, ये वोट बैंक की राजनीति को जिंदा रखने का उनका विफल प्रयास है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध इनकी आदत बन चुकी है, यही उनकी परंपरा है, यही उनकी आदत है, यही उनके तरीके हैं। आप याद कीजिए, रफाल लड़ाकू विमान को लेकर इन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान
कैसी होई तबा बचाई थी, छाती पीट रहे थे छाती। इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि रफाल विमान से समझौता रद्द हो जाए, भारत में नया लड़ाकू विमान न आने पाए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को पहला लड़ाकू विमान सौंपा जा चुका है। भाई